आपने बोल तो दिया, लेकिन आज भी भोजपुरी में खासकर लड़कियों को बड़ी दिक्कत है हर चीज में। आज भी लोगों की मानसिकता चेंज नहीं होती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप लोग खुद बोल रहे हैं। जब तक मैं भजन गा रही थी आपके चेहरे उतरे थे, जैसे ये तीन खड़े हुए आपके चेहरे खिल गए। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे तो यही राज है ना। लेकिन आपसे एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हमेशा से हमारा भोजपुरी है, आप ही का क्षेत्र का कितना अच्छा लगेगा जब आपके क्षेत्र की लड़की या लड़का कोई भी हो वो आगे बढ़े। हमेशा मंच पे आप ही को विरोध करना है हर गलत चीजों का, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। अब मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोलूंगी तो लोगों का ऐसा, इतना कैमरा लगा है इसलिए चढ़ ही जाएगा, है ना। तो रहन दीजिए, अच्छी चीजें चढ़ाइएगा। अजय खराब चढ़ाते कि काली मैया देख ले, जीरो सब्सक्राइबर यही मंच से। अच्छा चढ़ाइए, सारे कैमरे वाले जितने भी लोग उपस्थित है चैनल के, आपसे हम हैं। अगर आप हमसे कमा रहे तो हम आपसे भी कमा रहे हैं, है ना। तो आपसे यही अपील है कि अच्छी चीजें चढ़ाइए, अच्छी चीजें प्रमोट कीजिए। और आप सभी जितने हमारे जनता हैं, एक ही बस बोलना चाहेंगे कि चाहे वो भोजपुरी का कोई कलाकार हो, सबको प्यार दीजिए यार। हम लड़कियां भी इंसान हैं, ये नृत्यांगना भी इंसान है। ये नहीं कि अब देख लिया तो कोई और इनके प्रति मिसबिहेव, नहीं, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। हम सबकी इज्जत होती है, हम सब उसी परिवार से आते हैं जहाँ से आप आते हैं। हम भी यादव परिवार की बेटी हैं, आप लोग भी यादव परिवार से होंगे, कुछ कुछ परिवार से होंगे, कोई कई परिवार से होंगे, लेकिन परिवार से तो है ना जी। एक माँ की बेटी है ना, घर में आपकी भी बहन है, सारी लोग है। तो प्लीज हम बस इतना कहेंगे, सबकी इज्जत करिए। आप इज्जत देना शुरू करेंगे तो पूरा विश्व हम सभी को इज्जत देगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सारे कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली। मेरी सोच पे ये छोटा सा पुरस्कार आया है, तो थैंक यू सो मच। अगर मेरी सोच से अगर आप सभी सहमत है तो ताली बजा के एक बार बता दीजिए कि आप सभी हैं साथ मेरे। व्यूज ना ना तार कुछ ना हो सकेला। एक बात और भी बता दे रहे हैं, मंच पे हमारे एक महात्मा जी भी बैठे हैं, एक बात और भी बता दे रहे हैं। आप लोग जो गलती करते हैं ना यहाँ पे, किसी भी कोई भी लड़का अगर कोई भी अभद्र व्यवहार करता है चाहे कुछ भी, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उस इंसान को कभी 10 साल बाद जाकर मिलेगा, उसकी सबसे पहली जो संतान होती है वो बेटी होती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, उसकी पहली संतान बेटी होती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि अब लोकगीत की तरफ चलते हैं। प्रेम से बोल दीजिए सच्चे दरबार की, हम लोग का कान है सुनना। आप बोलते रहिए, हमें कोई वो नहीं है, हम लोग का काम है सुनना। आ भैया मैं डी डी सी था ना अभी तक डी। थैंक यू। क्या नाम है आपका?